स्कर्ट सिलना बताएंगे कि स्कर्ट किस तरीके से सिलते हैं, स्टिंग किस तरीके से करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सिलते हैं। तो दोस्तों इसकी कमर है वो 21 इंची है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बेल्ट काट लेता हूँ। तो दोस्तों बेल्ट के लिए क्या करना होगा कि हमारा ये बेल्ट है ये 1.5 इंची चौड़ा है, तो दोस्तों यहाँ पर हम एक निशान लगा लेते हैं, 2 इंची का निशान लगा लेते हैं, जो दोस्तों ये अंदर की साइड में फोल्ड होता है उसके लिए ये 2 इंची का निशान लगा लेते हैं। और इसके बाद में दोस्तों हमारी कमर है वो 21 इंची है, तो 21 इंची पर हम निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। 21 इंची पर 21 का आधा 20 सेंटर, 10.5 हो गया दोस्तों। और इसके बाद में यहाँ पर हम 1.5 इंची एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरीके से, और इसमें हम लूपियाँ लगाएंगे। तो लूपियों के लिए दोस्तों इस तरीके से ये 10.5 आ रहा है, तो यहाँ से एक लूपी हम यहाँ लगा लेंगे और एक लूपी हम यहाँ लगा लेंगे 20 सेंटर में, और इसको इस तरीके से आधा करके यहाँ से इस तरीके से एक निशान ये लगा लेना है। और दोस्तों आगे से हम इसको इस तरीके से कट कर लेते हैं, और यहाँ से मोड़ लेंगे इसको, और यहाँ से भी इस तरीके से मुड़ेगा, तो यहाँ से हल्का सा कट लगा लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि यहाँ से मोड़ना है। तो इस तरीके से ये हमारा बेल्ट है वो कट के तैयार है। तो दोस्तों मैं इसकी पेस्टिंग कर लेता हूँ कि इस तरीके से इसकी पेस्टिंग करते हैं। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों उल्टी साइड में ही हमें पेस्टिंग करनी है। तो ये हमारा बेल्ट है, तो इस तरीके से रखेंगे इसको, और रखने के बाद में इसकी पेस्टिंग कर लेनी है। तो इसको यहाँ से हम यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से कटिंग कर लेनी है, और ऊपर से हमें सिलाई मार्जिन रख लेना है और बाकी कपड़े को काट देना है दोस्तों। और दोस्तों ऊपर हमने ये 2 इंची का निशान लगाया, यहाँ तक इस तरीके से मोड़ लेंगे इसको, और यहाँ से भी हम इस तरीके से मोड़ लेंगे इसको। और मोड़ने के बाद में दोस्तों हम हल्का हल्का और अंदर की साइड में मोड़ लेंगे इसको, जो हमारा ये पेस्टिंग है उससे एक सूत ज़्यादा रखेंगे। दूसरी साइड में प्रेस लगा लेंगे। और दोस्तों आगे से हम इस तरीके से मोड़ लेंगे। और यहाँ से भी हम इसको मोड़ लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से प्रेस लगा लेंगे हल्का सा। और दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सिलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा नीचे का घेर है, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर 3 इंची का निशान, यहाँ पर 5, फिर 3, यहाँ पर 5, फिर इस तरीके से दोस्तों हमें ये पूरे के ऊपर से निशान लगा लेने होंगे। ये हमने 5 का लगाया है, फिर 3 इंची का, ये 5, और ये बाकी 3 बच गया है, यहाँ पर हमारी सिलाई आ जाएगी। दोस्तों चलते हैं मशीन पर और किस तरीके से सिलाई करते हैं मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आपको बताऊंगा कि स्कर्ट किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों स्कर्ट बनाने से पहले हमें देख लेना होगा कि आगे का पार्ट कौन सा है, पिछले का पार्ट, पीछे का पार्ट कौन सा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम रखेंगे इसको। ये दोस्तों आगे का पार्ट है, तो इसको हम ए रख लेते हैं, और दोस्तों ये पीछे का पार्ट है, इसको हम बी रख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा कि
कि हमें ऊपर की साइड में हमें यहाँ से आधा इंची गोंद की सिलाई लगाएंगे। पर हल्के हल्के कट लगा लेने होंगे इस तरीके से। इस तरीके से कट लगा लेने होंगे।
Thank you.
है।